पहली तो बात ये है कि हम दोनों जुड़वा हैं, तो जब पैदा ही एक साथ हो गए हैं, केमिस्ट्री तब से साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आदिल बलोच है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिम बलोच है और हमारा ताल्लुक लियारी से है। लियारी इज़ वेरी नोन अबाउट इट्स रैप नाउडेज़, जो कि आजकल के आर्टिस्ट कर रहे हैं, और हमें देख के भी बाहर तो ये लगता है कि हम करते होंगे, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही हमें शौक किसी और म्यूज़िक का रहा है। वो लाइट म्यूज़िक कह दें या ईस्टर्न क्लासिकल कह दें, वेस्टर्न, मतलब हम तकरीबन सारे जॉनर्स को सुनते आए हैं और जो है गाते आए हैं। मेरे वालिद साहब थे हमारे, जो हमें शुरू से ही जो है गाइड किया करते थे, अच्छी चीज़ें घर पे चलाया करते थे। और रहा सवाल कि म्यूज़िक जो है कैसे इंस्पिरेशन बनी या कौन इंस्पिरेशन बने, तो आई डोंट रिमेंबर सिंगल डे कि जब हमें याद हो कि ये ऐसा दिन था जहाँ से हमने इंस्पिरेशन ली, लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि मुझे लगता है ग्रेजुअली जो है वो चीज़ आती जाती है। बैक इन 2016 जब जो प्रीवियस जो सीज़न हुआ था नेस्कैफे बेसमेंट का, सीज़न 4 हुआ था, तो उसमें जो है ऑडिशंस गुजर चुके थे। उसके बाद आई टेक्स्टेड मैं कि भाई हम करना चाहते हैं और ऑडिशन देना चाहते हैं, तो फिर रिस्पॉन्स आया कि ऑडिशंस जो है ख़त्म हो चुके हैं, नेक्स्ट टाइम ट्राई कर दीजिए। तो आई स्टिल हैव दैट मैसेज विद मी, मैंने लिखा था नीचे कि वन डे विल बी परफॉर्मिंग देयर, तो we have been working harder and इसके लिए मेहनत करते रहे और दो साल बाद we have achieved it, तो that's a big achievement for us। तो एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी रही और वहाँ से यहाँ तक की बहुत बहुत क्या बताऊँ संतोष के। Nescafe Basement Season 5, जागना तो पड़ेगा।